चलिए आप लोग का स्वागत है आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम फिर से त्रिभुज लेकर आए हैं, जो आपको ब्रिलियंट जो है क्वेश्चन बैंक से ये ली गई है। उसमें का जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर है। तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये जो है ज्यामिति, आप लोग को हमेशा ये जो है दिक्कत हुई है, तो ऐसे सोच लीजिए जहाँ चाह वही राह, जहाँ से इंसान चाहना शुरू करता है वहीं से उसकी रास्ता मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है, बस शर्तें अपने अंदर क्या होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए और चाहत होनी चाहिए। चलिए उसी हौसला और चाहत के साथ हम लोग ज्यामिति को बनाते हैं और आप लोग को प्रमेय जो है 6-2 और 6-1 के आधार पर ये आपको ज्यामिति बताया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज एबीसी, जो आप लोग यहाँ पर आकृति में देख पा रहे हैं, एक समलंब चतुर्भुज है और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग एबी समानांतर सीडी है। क्या है? एबी समानांतर सीडी। समानांतर चीजें कैसे होती है? एक रेल की पटरी की तरह होता है, ठीक है ना। और ध्यान दिया जाए यहाँ पर, जब भी यहाँ पर दो जो समानांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो वह कौन सा कोण बनाते हैं? एकांतर कोण बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका विकर्ण क्या है? एसी और क्या है? बीडी है। विकर्ण क्या है? एसी और क्या है? बीडी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ओ बिंदु पर जब दो रेखाएं आपस में गुजर रही है, जो विकर्ण जो है आपस में क्या कर रहा है, गुजर रही है, तो यहाँ पर एक मतलब एक बिंदु बन रहा है, जो प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो है आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो दर्शाइए कि मतलब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है क्या, ओ ए बटा ओ सी और क्या सिद्ध करना है, ओ बी बटा ओ डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरह के भुजा समानुपाती होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। तो ध्यान दिया जाए, आप लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, त्रिभुज समरूप कब होता है? जब उसकी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कम से कम आपको दो कोण बराबर करना ही पड़ेगा, तभी जाके त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो तरीके से आप लोगों को कोण को क्या करना है, बराबर करना है, समझ गए। तो अभी हम बताए हैं से जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा खींचती है तो वहां पर क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। त्रिभुज क्या चलेंगे, यहाँ पर त्रिभुज आपका हो जाएगा ए ओ बी होगा, ठीक है ना। त्रिभुज ए ओ बी में चल रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए त्रिभुज सी ओ डी, क्या है, सी ओ डी में, ठीक है। हम दो त्रिभुज में चलेंगे, सबसे पहले उसको एंगल को हम लोग बराबर करते हैं। ये आपका एकांतर कोण हुआ, कौन सा कोण, एकांतर कोण हुआ, ठीक ना। तो जब भी किसी कोण को लेते हैं तो उस कोण को हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, क्या करते हैं, बीच में। जैसे मैं देखिए, ये आपका ए एकांतर कोण हुआ, यहाँ पर सी हो गया, तो इसको हम लोग नामकरण कैसे कर सकते हैं, ओ ए बी भी लिख सकते हैं, चाहे हम लोग लिख सकते हैं बी ए ओ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इस कोण को एकांतर कोण करते हैं, अगर ए कोण एकांतर कोण है तो इसको हम लोग चलेंगे ओ सी डी चलेंगे, चाहे हम लोग चल सकते हैं डी सी ओ, मतलब जिस तरह से भी चले उस कोण को हम लोग क्या करना है, बीच में रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऐसे सिंपल सा हम लोग यहाँ पर पूरे कोण को न लेकर एक ही कोण को हम लेते हैं, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण सी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एकांतर कोण से, ठीक है। चलिए एक तरह से तो हम लोग ये इसको प्रूफ कर दिए इस त्रिभुज का। चलिए दूसरा तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिर त्रिभुज में यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कोण डी और यहाँ पर कोण क्या है आपका बी, ये भी आपका क्या है, एकांतर कोण ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोण बी बराबर कोण डी, ये भी आपका क्या है, एकांतर कोण से ही है। तो जब दो तरह से हम लोग यहाँ पर बराबर कर दिए तो त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा, क्या होगा, समरूप त्रिभुज। तो ए ओ बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक नियम होता है, उस नियम को लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए ए समरूपता से, समरूपता से, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन, ए ए समरूपता से, मतलब एंगल एंगल, ठीक है ना,
समरूपता से। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दिए, ए ओ बी समरूप त्रिभुज आपका हो गया, सी ओ डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। अगर आप लोग को दिक्कत ज्यादा हो तो जो यहाँ पर समरूप कर देना है और डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, आंसर को लिख सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें उलझना चाहिएगा तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो जब हम त्रिभुज समरूप कर दिए, हम जानते हैं भुजा समानुपाती होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए बाटा क्या हो जाएगा, ओ सी, और बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे ये बराबर किए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये ओ ए बटा ओ सी इस तरह के हम लोग किए हैं, ओ ए बटा ओ सी, आप ये ना ओ बी बटा ओ डी, ठीक है, इस तरह के हम लोग समरूप किए। चलिए अब लोग क्वेश्चन फिर से हम लोग आ रहे हैं 13 लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जो जिस तरह के 12 नंबर जिस तरह के हम लोग सिद्ध किए हैं उसी तरह के सेम आपका 13 नंबर है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 लेकर आए हैं। 14 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ऐसे यदि किसी त्रिभुज की एबीसी एबीसी जो है भुजा जो है बीसी पर एक क्या है डी एक ऐसा बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पर ए बी भुजा जो है उस पर एक डी एक ऐसा बिंदु जो है जहां पर कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है सी ए बटा सी डी और सी बी बटा सी ए सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, प्रश्न में क्या आपका दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज में हम लोग चलेंगे ए बी सी में, पूरा में चलेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे ए डी सी में चलेंगे, ठीक है, पूरा में चलना है और दाहिने तरफ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज हो जाएगा ए डी सी में, ठीक है। तो ये आपका मतलब इस त्रिभुज से हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें जो है लिखेंगे हम लोग कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है ना, दिया है का मतलब होता है प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा से त्रिभुज ए डी सी में और त्रिभुज ए बी सी में दोनों में आपका कोण सी आ रहा है क्या, तो जब दोनों में कोण सी आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीसाभिमुख कोण नहीं होगा, संगत कोण से होगा, संगत कोण से, संगत कोण होगा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। सीसाभिमुख कोण में क्या होता है, ऐसे इस तरह के जब त्रिभुज होता है ना तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है, समझ गए, दोनों का कोण एक ही रहता है तब जाके सीसाभिमुख, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ कोण से। तो कोण सी बराबर यहाँ पर कोण सी लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया जाए, हम लोग दो को बराबर हम लोग कर दिए तो त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका ए डी सी, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होगा तो आपका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा, ठीक है। जो आपको सिद्ध करना है वो आ गया आपका सी बी बटा सी ए, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस जो है आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 44 में लघु उत्तरीय प्रश्न, ब्रिलियंट सुमन कोचिंग ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, सही है कि समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। और ये जो है ए बी जो है किसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है। ये बिकॉन दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, बाकी एक बिकॉन दूसरे बिकॉन को क्या करता है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना, करती है। तो ए बी आपका कितना दिया हुआ है,
टू सी डी दिया हुआ है, ए बी आपका दिया हुआ है किसके बराबर है, टू सी डी के बराबर है ए बी। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, मतलब ए ओ बी का क्षेत्रफल और सी ओ डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप पहले करेंगे, समरूप वही होगा, ये आपका b किसके बराबर होगा, d के, और a बराबर किसके होगा, c के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी तरह के हम लोग सेम हम बनाते हैं जो हम लोग पहले बनाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्या ए ओ बी और त्रिभुज हमको चलना है सी ओ डी, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं रहता है, सब जो है ना प्रश्नों में से हम लोग उतार देते हैं और उसी में संतुष्ट कर देते हैं। वही नियम हमको याद रखना पड़ता है, से जब भुजा जो समानुपाती होगा तो त्रिभुज को सबसे पहले समरूप कर देंगे, ठीक है ना। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो आपका हिसाब बन गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण जो है बी बराबर कोण हो जाएगा आपका डी का, ठीक है, और कोण जो है सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए का, कहाँ से आया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आया, ठीक है। तो ये भी आपका एकांतर कोण से आया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए से त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, ठीक ना। तो ये पहले क्या होगा, समरूप होगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका, त्रिभुज सी ओ डी का समरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा, तो जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा से त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल जब यहाँ पर दिया हुआ रहता है तो भुजा क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है, क्या होगा, भुजा वर्ग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी सी बटा कथी, डी सी बटा क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा समानुपाती होता है तो उसको वर्ग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए से डी सी बटा क्या होगा, ए बी, ए बी कितना आपका दिया हुआ है, टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं। तो डी सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यह डी सी चार सी डी वही होगा, तो ये कट गया आपका और बच गया कितना, एक बटा चार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अनुपात में, एक अनुपात चार, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए और अच्छा तरह से, चलिए हम लोग फिर से हम लोग दो नंबर लेके आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है आप लोग ध्यान दीजिए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ए ओ बी का क्षेत्रफल है, तो ए ओ बी में आपका जो आएगा ए बी आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखा था ए बी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखा था आपका, सी डी लिखा था, ठीक है, सी डी लिखा था। अब ये जो है आपका, ये जो सी डी जो है ए बी का मान के जगह पर यहाँ पर टू लिखाएगा सी डी, क्या लिखाएगा, टू सी डी लिखाएगा। अब इसको वर्ग करेंगे तो ऊपर चार हो जाएगा और नीचे कितना होगा, वन होगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है आपका, चार अनुपात एक हो जाएगा, ठीक ना, इसका अनुपात क्या होगा, चार अनुपात एक होगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दो जो पेज नंबर 44 में आपका क्या बता रहा है, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर ए बी सी आपको लिख दिया गया और दूसरा का त्रिभुज जो है आपका क्या है, डी ई एफ है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्रमशः, मतलब ए बी सी डी का 9 है इसका क्षेत्रफल, इसका आपका क्षेत्रफल है 64। बहुत इजी हिसाब है आप लोगों को, यह प्रश्न में ही
बताया जा रहा है सही त्रिभुज क्या है, समरूप है, परस में ही कहा जा रहा है सही त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी जो है, डी जो है 5.1 है, इसमें 5.1 की चर्चा हुई है, देखो तो है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा जाए और यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप त्रिभुज है आपका डी ई एफ का, ठीक है। तो यहाँ पर ए आर मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और यहाँ पर ए आर हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए ए बी का स्क्वायर बटा हो जाएगा डी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमेशा हाई चेंज होते रहता है, ठीक है। कैसे चेंज होगा, अगर मान लिया कि अगर इसमें ई अनुपात दिया है तो इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर हुआ है, अगर आपको आधार दिया होगा इसका आधार चाहे इसका आधार दिया होगा तो इसका बी सी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर हो जाता, अगर वो ना देकर ए सी दिया हुआ रहेगा और डी एफ का मान निकालना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 9 और इसका कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा डी हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाए, तो इसका 3/3 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए ए बी आपका दिया हुआ नहीं है, ए बी आपको ज्ञात करना है और डी कितना है 5.1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तीछा तीछी, तो ए बी में हम लोग गुना करेंगे 8 से और इसमें गुना करेंगे 3.5 से, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.51 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते हैं। चलिए अब इसको कटाइए, इतना ही आंसर है, 3 × 3 और 5 × 15 = 8 इतना ही आंसर है। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो आएगा 1.91 आएगा ना, 1.91 इसका आंसर आएगा। इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा और उसके बाद हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपने जो है आज का मैथ समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये जो है शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे तो हमको ऐसा लगता है ऐसे आप लोगों को समझ में आता ही होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इससे हमको पता चलता है ऐसे पूरा पूरा आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ भी कहीं भी मतलब आपका प्रॉब्लम होगा तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बड़े यूट्यूबर जो होंगे आपको कमेंट को नहीं देखेंगे और छोटा यूट्यूबर जो होंगे आपके कमेंट को निश्चित देखेंगे और आपके समस्या का जरूर समाधान करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही बोले हैं कि नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है, बस आपके अपनी अंदर जो होना चाहिए चाहत होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही कहकर अपने ही शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।